पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन संघ की मुख्यालय, यह आश्रम की अधिष्ठात्री देवता श्रीमद् विश्वनाथ भगवान के स्वरूप ध्यान करते हुए जिन महापुरुषों के 61वां निर्वाण दिवस को निमित्त बनाकर के ये साधन सप्ताह का आयोजन हुआ है, यह संस्था के संस्थापक महाराज जी उनके चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम के एकादश वर्तमान पीठाधीश्वर हमारे मार्गदर्शक उनके चरण में साष्टांग प्रणाम करते हुए सम्मुख में विद्यमान है यह संस्था के वर्तमान सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, पूर्वतन महासचिव, वर्तमान महासचिव तथा प्रथम पंक्ति में बैठे हुए अन्य सब पूज्य वरिष्ठ सन्यासी हमारे प्रेरणास्पद, वो सभी के चरण में साष्टांग प्रणाम करते हुए उपस्थित महात्माओं को ओम नमो नारायणाय, सभी भक्तों को तथा भक्तिमती माताओं को नारायण स्मरणम। सनातन धर्म का नाम भी होता है वैदिक धर्म, वेद ही इसका मूलभूत आधारभूत शास्त्र होता है, इसलिए इसको वैदिक सनातन धर्म ऐसे कहा जाता है। और वेद का जो तात्पर्य वो वेदांत में ही निहित है, और वो तात्पर्य है जीव ब्रह्म ही है, उससे कोई अन्य नहीं है। वेदांत का तात्पर्य उसका महावाक्य से ही स्पष्ट होता है, उसी का आधार पर ज्ञान भी होता है। ऐसे तो प्रमुख महावाक्य चार कह दिया जाता है, हम लोग सबको ये बात शायद पता भी होगा, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार के चार महावाक्य कहा जाता है। साधारण तो ज्ञान तो रहता है सभी को, इससे व्यतिरिक्त भी और भी महावाक्य होते हैं, तो ये महावाक्य स्पष्टतया ये बता देता है कि जीव ब्रह्म ही है। और यह अद्वैत वेदांत का अद्वितीय व्याख्याकार भगवान भाष्यकार जगद्गुरु भगवत्पाद, वो उनके जितने सारे ग्रंथ है उसमें बार बार ये हमको स्मरण दिलाते हैं। उनका प्रसिद्ध विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च। वेदांत का सिद्धांत का यही निर्वचन, निर्वचन अर्थात यही वेदांत का सिद्धांत है, ब्रह्म ही जीव रूप से प्रतीत हो रहा है और ये प्रतीयमान जगत ये भी ब्रह्म ही है। अन्यत्र कहते हैं, ब्रह्मैवाहमिदं जगत् च सकलं चिन्मात्र विस्तारितम्। यह जो व्यष्टि सत्ता अनुभव तो हो रहा है, मैं जिसको हम लोग सब, आप लोग भी कहते हैं, हम भी कहते हैं मैं, वहाँ भाष्यकार कहते हैं कि ये मैं ये ब्रह्म ही है,
और सकलम च जगत ये ब्रह्म ही है। तो इतने सारे ब्रह्म कैसे हो जाएंगे, कहते चिन्मात्र विस्तारितम, जैसे एक सूर्य उसका किरण से विस्तारित तो हो जाते हैं, इसी प्रकार की ये सब चिन्मात्र का विस्तार। प्रातःकाल हुआ तो सूर्य उदय हुए तो सूर्य का किरण विस्तारित तो हो जाता है, सायंकाल हुआ सूर्य का किरण समेट जाते हैं, पुनः संग्रहित तो हो जाते हैं सूर्य में। इसी प्रकार की सृष्टि हुई तो ये जीव जगत ये सब प्रकाशित तो होने लगे, प्रकट होने लगे। तो आप सब हम ये वस्तुतः तो ब्रह्म ही है। अगर इस प्रकार की है तो हमको ये अनुभव भी हो जाना चाहिए। तो हमको किंतु लग रहा है हम संसारी है, करता है, भोगता है, कभी दुखी हो जाते हैं, ऐसे हमको क्यों लगता है? हम अगर ब्रह्म है तो हमको ब्रह्म आनंद ऐसा अनुभव होना चाहिए। ब्रह्म का जो लक्षण है वो हमें घटना चाहिए, समन्वित होना चाहिए। जैसे हमको पूछा जाएगा आप मनुष्य है, हम कहेंगे हम है। क्यों? लोक में जो प्रचलित है, प्रसिद्ध है, शास्त्र में जो कहा जाता है मनुष्य का लक्षण, मनुष्य को दो पाद होना चाहिए, दो हाथ होना चाहिए, एक सिर होना चाहिए, जो सिर में दो चक्षु होंगे, दो कर्ण होंगे, दो छिद्र वाले एक नासिका होगी, मुख होगा, और पशु पक्षी जैसे तिर्यक रहते हैं उनका मेरुदंड तिर्यक, तिर्यक अर्थात हॉरिजॉन्टल। ऐसा हम नहीं होते हैं मनुष्य, हमारा मेरुदंड तो वर्टिकल होता है, हम सीधे रहते हैं। और ये पशु पक्षी ये सब जो शब्द उच्चारण करते हैं वो सब ध्वनि है, किंतु मनुष्य जो शब्द उच्चारण करते हैं वो वर्ण होते हैं, आपको समझ में आता है कहते हैं। तो ये सब जो मनुष्यों का लक्षण शास्त्र में तथा लोक में प्रचलित है ये हम में समन्वित तो हो रहा है, घट रहा है, तो इसलिए हम मनुष्य हैं। इसी प्रकार की जो ब्रह्म का लक्षण शास्त्र में कहा गया, अगर हम ब्रह्म है तो ये लक्षण हम में समन्वित तो होना चाहिए। तैतरीय श्रुति कहती है ब्रह्म का लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। साधारणतः तो लोक में अधिक प्रचलित होता है सच्चिदानंद ब्रह्म, जिसको श्रुति में सत्य शब्द से कहा गया वही सत है, पर्यायवाची समानार्थक होता है। जिसको ज्ञान कहा गया वो चित है, चैतन्य कहा जाता है, और जिसको श्रुति में अनंत कहा गया वही आनंद है। लोक में यद्यपि अनंत और आनंद समानार्थक व्यवहार नहीं होते हैं, इसका कारण है कि उसका जो विपरीत होता है, अनंत का विपरीत हो जाएगा परिच्छिन्न छोटा, आनंद का विपरीत हो जाएगा दुख। ये छोटा और दुख ये लोक में ऐसे नहीं जानते हैं, इसलिए साधारणतया ये अनंत और आनंद समानार्थक लोक में प्रचलित नहीं होने पर भी वेदांत शास्त्र के अनुसार ये दोनों समान ही है। जैसे छांदोग्य श्रुति हमें कहती है यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा का अर्थ व्यापक, अपरिच्छिन्न, अनंत। जो अनंत होगा वही सुख होगा, अल्प में सुख नहीं है। श्रुति आगे भी कह देती है यद अल्पम तन्मर्त्यम, अल्प में सुख नहीं है, सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है, एक मध्य अवस्था भी हो सकती है। कहते हैं ऐसा नहीं है, यद अल्पम तन मर्त्यम, मर्त्यम अर्थात विनाशी अर्थात दुख रूप है। जो परिच्छिन्न है वो दुख ही है, जो अपरिच्छिन्न है अनंत है वो सुख है, जो परिच्छिन्न है छोटा है वो दुख ही है। अर्थात वेदांत के भाषा से यह अनंत और आनंद समानार्थक है। अतः श्रुति कहते हैं कि हम ही ये सच्चिद आनंद है। अगर हम है तो हमको ये लक्षण हमें समन्वित होना चाहिए।
कहते हैं कितना हो रहा है नहीं हो रहा है देखते हैं, विचार करेंगे। ब्रह्म का प्रथम स्वभाव कहा गया सत, सत स्वभाव। सत का अर्थ होता है सत्ता, विद्यमानता, होना। हिंदी में कहते हैं हे, आप है, आप अभी जागृत है। फिर जब सोने के लिए जाते हैं, कभी स्वप्न में आ जाते हैं, तब भी आप जानते हैं कि स्वप्न में आप है, क्योंकि आप ही स्वप्न देखते हैं। और कभी सुसुप्ति, सुसुप्ति शब्द का अर्थ होता है गाढ़ निद्रा, डीप स्लीप। उस अवस्था में भी आप ही रहते हैं, क्योंकि उठ करके आप कहते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, हमने सुख से सोया कुछ जाना नहीं। तो सुसुप्ति में भी आप रहते हैं, नहीं तो उठ करके कैसे कहेंगे। तो ये जो ब्रह्म का स्वभाव है सत, विद्यमान होना सर्वदा, ये आप में समन्वित तो होता है कालत्रय में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। इसी प्रकार की और अगर विचार करेंगे, आप अतीत में भी थे, आपका पूर्वजन्म में भी था, पूर्वजन्म था। अगर पूर्वजन्म नहीं रहेगा तो जगत में दृश्यमान ये वैचित्र्य का कोई कारण नहीं रहेगा। इतना विचित्रता कैसे है, ये संस्कार अलग अलग कैसे सब दिखता है, ये पूर्वजन्म है। और शास्त्र में और भी सब प्रमाण दिया जाता है कि पूर्वजन्म होता है। कोई 3-4 महीना का बालक जन्म हुआ मात्र, अभी वो कभी किसी का हाथ से नीचे गिरा नहीं, किंतु अगर किसी का हाथ से अचानक गिर जाएगा तो रोने लगेगा। अभी वो भूमि स्पर्श नहीं हुआ है फिर भी रोने लगेगा, ऐसे क्यों होता है। और सभी लोग प्राय देखे होंगे, ये जब गौएं जब बछड़े देते हैं, वो बछड़ा कैसे वो स्तन्यपान में प्रवृत्त हो जाता है, उसको कौन सिखाता है। तो ये सब प्रमाण देते हैं कि आपका पूर्वजन्म है, पूर्वजन्म था। तो पूर्वजन्म में भी थे, अभी भी विद्यमान है और आगे भी रहेंगे, इसमें भी ये प्रमाण देते हैं। अगर आगे नहीं रहेंगे, ये धर्म अर्जन क्यों करते हैं। और विशेषतः परिणत वयस में जो बार्धक्य आता है, तब अधिक रुचि क्यों होती है धर्म करने में। तो ये प्रमाण है कि भविष्य जन्म भी है, अर्थात अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों काल में आप रहने वाले हैं। यही ब्रह्म का सत स्वभाव है, ये आप में है। ब्रह्म का दूसरा स्वभाव होता है चित, कहते हैं चैतन्य। आप लोगों से कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि आप अचेतन है, ऐसा स्वीकार नहीं करेगा। सभी कहेंगे हम चेतन है। चेतन और चित में थोड़ा अंतर है। चेतन उसको कहते हैं जिसमें चित का अभिव्यक्ति, प्रकाश, प्रकट सबसे अधिक हो जाता है, उसको चैतन्य, चेतन लोक में कहते हैं। आप ही चित स्वरूप हैं, ये शरीर में विद्यमान बुद्धि उसमें प्रतिबिंबित होकर के बुद्धि और शरीर को चेतन बना देता है। अगर आप चित स्वरूप नहीं होंगे तो ये बुद्धि और ये शरीर, ये चेतन कैसे बन जाएंगे। यह प्रमाण है कि आप चित स्वरूप हैं। तो ब्रह्म का जो द्वितीय स्वभाव कहा जाता है शास्त्र में चित, ये भी आप में है। और ब्रह्म का तृतीय स्वभाव कहा जाता है आनंद स्वभाव। ये हम में कभी कभी दिखता है, लगता है कि हम सुखी है, कभी दुखी हो जाते हैं। तो जिसका जो स्वभाव होता है वो हमेशा रहना चाहिए। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता, ये सर्वदा रहेगी अग्नि में। ऐसा नहीं कि अग्नि कभी शीत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो अगर हम भी सुख रूप है, आनंद रूप है, तो ये कभी दुखी कैसे हो जाते हैं। जैसे स्थूल शरीर, शरीर शब्द से हम कहते हैं, इसका स्वभाव है कि स्वस्थ रहना है, किंतु कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है। लोग में कहते हैं ये रोगग्रस्त हो गया। तो ये अस्वस्थ हो जाना, रोगग्रस्त होना, ये स्वभाव नहीं है, ये अस्वाभाविक है। आ गया, कादाचित को कहते हैं कभी आ गया। ऐसा होने पर, अस्वस्थ हो जाने पर हर व्यक्ति चाहता है कि हमसे ये अस्वस्थता चली जाए,
इसलिए वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य के पास उसका शास्त्र होता है, वो शास्त्र के आधार पर अस्वस्थता का दूर करके पुनः स्वस्थता ले आता है। और शास्त्रम चतुर्विहुम ऐसा कहा जाता है, चतुर्विहुम अर्थात चार सोपान वाले, चार सोपान अर्थात सीढ़ी एक के बाद एक सीरीज में, ये कोई पैरेलल नहीं है। जैसे वैद्य शास्त्र में चार सीढ़ी कहा जाता है, रोग आरोग्यम, रोग निदानम, आरोग्यम चिकित्सा भेषजम, ऐसा कहा जाता है, चिकित्सा ही भेषजम है। वैद्य के पास जाएंगे तो प्रथम वो निर्णय करेगा इस व्यक्ति को रोग हुआ है क्या, निश्चय हो जाएगा कि इसको रोग है, आगे ये रोग का निदान, निदान मूल कारण है, ये रोग क्यों हुआ है। अगर कारण का अनुसंधान नहीं किया जाएगा, रोगों को दबाया जा सकता है, उसका निराकरण नहीं होगा, पुनः पुनः हो आएगा वो रोग। इसलिए वैद्य निदान, निदान अर्थात मूल कारण खोजेगा। आजकल आप लोग सभी को पता है किसी डॉक्टर के पास जाएंगे बहुत सारे टेस्ट लिख देंगे, ये करिए वो करिए, वो वही निदान है, कारण खोजते हैं। जब निश्चय हो जाता है कि ये रोगों का यही कारण है, आगे फिर ये विचार होता है क्या ये रोग कभी स्वस्थ हो सकता है, ये रोग से व्यक्ति, ये रोग का निराकरण हो सकता है, कोई इससे स्वस्थ हुआ है। अगर निश्चय होता है कि हाँ इससे भी स्वस्थ हुए हैं, पूर्व में लोग को स्वस्थ हुए हैं, अगर स्वस्थ हुए हैं अर्थात इस रोग का निराकरण भी होता है, ऐसा निश्चय होने पर आगे वो वैद्य भेषज चिकित्सा आरम्भ करेगा। जैसे वो वैद्य शास्त्र स्वस्थ शरीर में अस्वाभाविक अस्वस्थता को दूर करने के लिए चतुर्विह शास्त्र का आश्रय लेता है, इसी प्रकार की हमारे जो स्वभाव है आनंद रूप हम होना चाहिए, यह अभी दुख रूप ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, अभी इसको भी ये अस्वाभाविक रूप को हटा करके हमारा स्वाभाविक रूप को लाने के लिए जैसे हम शरीर को लेकर के वैद्य के पास जाते हैं, इसी प्रकार की यह अस्वस्थता को दूर करने के लिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं। ये श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र को जो जानते भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी है, अनुभवी महापुरुष है, उनके पास हम जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं, हमारी जिज्ञासा लेकर के जाते हैं, और वो भी शास्त्र को आधार बना करके हमारे ये दुख रूपता को हटाते हैं। जैसे वैद्य शास्त्र चतुर्विहो कहा गया, इसी प्रकार की ये अध्यात्म शास्त्र जो कि हमारा दुख रूपता को दूर करके हमको आनंद स्वरूप ऐसे अनुभव करवाएगा, ये भी चतुर्विहो होता है। यहाँ भी चार सोपान होते हैं। प्रथम यहाँ हो गया हेय, दूसरा है यह हेतु, तीसरा हानम, चतुर्थ हानोपाय। जैसे वहाँ रोग है यह त्याज्य अस्वाभाविक पदार्थ है, शरीर का स्वाभाविक पदार्थ नहीं है रोग, इसी प्रकार की यहाँ है यह जो त्याज्य है, शास्त्रकार लोग कहते हैं है यम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं वो है यह है, जो दुख भोग हो गया चला गया वो तो कुछ नहीं किया जा सकता है, और जो दुख अभी भोग हो रहा है प्रारब्ध कहा जाता है वो तो होगा ही, तो जो अनागत जो आया नहीं वो दुख ये हेय है, इसका त्याग करना चाहिए। ठीक है, इसका त्याग करना चाहिए, जैसे रोग आना नहीं चाहिए किंतु आ गया, इसका कारण खोजते हैं, इसी प्रकार की यहाँ भी ये जो हेय दुखम कहते हैं उसका कारण महापुरुषों को पता है, जैसे वैद्यों को पता है कि ये रोग का कारण क्या वो खोजता है, इसी प्रकार के महापुरुषों को पता है ये दुख का कारण क्या है, उनके पास जाने से वो बताते हैं कि दुख का कारण दृग्दृश्य संयोग दुख हेतु आप चिद रूप है,
दृग रूप है, दृष्टा है, किंतु दृश्य के साथ संबंध हो जाता है, इससे दुख होता है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। मान लीजिए एक 3-4 साल का बालक एक दर्पण के सामने में खड़ा है। अभी वो दर्पण में कुछ मल है, मल अर्थात धूली लगा हुआ है, अथवा कुछ वो दर्पण में कुछ काला दाग लगा हुआ है, अथवा वो दर्पण में विभाजन है, विभाजन फट गया है वो दर्पण। अभी वो 3-4 साल का बालक सोचता है, प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में, और वो बालक सोचता है कि ये धूली सब मेरे मुंह में लगे हुए हैं, ये जो काला दाग दिखता है ये मेरा मुंह में है और मेरा मुंह ही फट गया है। इस प्रकार की वो बालक मानता है। वही अगर दर्पण के सामने कोई 20 वर्ष का युवा खड़ा होगा, उसको ऐसी बुद्धि नहीं होगी। वो तो जानता है दर्पण में दिखने वाला जो है वो प्रतिबिंब है। संदेह अगर हो जाएगा, मुंह में एक बार हाथ लगा देगा, देखेगा कि ना ना ये मुंह में नहीं है। तो ये बालक को इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है कि मेरे मुंह में ये सब है, ये ऐसे क्यों हो गया। प्रथम ये हुआ कि वो बालक दर्पण के सामने आ गया, खड़ा हो गया, और जैसे ही दर्पण के सामने कोई आएगा, ये दर्पण का स्वभाव है कि प्रतिबिंब अपने में दिखा देगा। जैसे ही बालक वो दर्पण के सामने आ गया, उसका प्रतिबिंब दिख गया। बालक और दर्पण ये दोनों में पहले संयोग हुआ, संबंध हुआ, होने से वह दर्पण में प्रतिबिंब दिखा। प्रतिबिंब दिखने से दर्पण में जो सब पदार्थ है, धूली है, काला दाग है, अथवा विभेद है, विभाजन है, वो दिखने लगा। वो प्रतिबिंब में तो बालक अपने आप को मानता है कि मैं दर्पण में हूँ। युवा इस प्रकार नहीं मानता है, 20 वर्ष का युवा इस प्रकार, युवक इस प्रकार नहीं मानता है। वो बालक मानता है मैं दर्पण में हूँ। उसको पूछेंगे तो सामने में वो दर्पण में जो दिख रहा है, उंगली दिखा करके पूछेंगे ये कौन है, वो कहेगा वो मैं हूँ। तो बालक अभी अपने आप को दर्पण के अंदर अनुभव कर रहा है। यह क्यों हो गया, कहते हैं दर्पण के सामने आ गया। बालक दृष्टा है, दृग रूप है, मतलब यहाँ दृग है, देखने वाला है, और दृश्य है वो दर्पण, दृश्य है, किंतु ये दोनों का संयोग हो गया तो उसमें प्रतिबिंब दिखने लगा। और प्रतिबिंब में जो सब पदार्थ है वो वास्तविक वो दर्पण का ही पदार्थ है, किंतु प्रतिबिंब में भ्रांति से दिख जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब का स्वभाव होता है वो बिंब का अनुकरण नहीं करेगा। प्रतिबिंब उपाधि पक्षपाती, प्रतिबिंब उपाधि का अनुवर्तन करेगा। बिंब अर्थात बालक, प्रतिबिंब जो दर्पण में दिख रहा है, उपाधि दर्पण, ये सब शास्त्रीय शब्द व्यवहार किया जाता है। तो यह जो उपाधि में अर्थात दर्पण में जो धूली है, जो काला दाग है, जो विभाजन जो फट गया है, वो दर्पण का धर्म है, प्रतिबिंब में दिख रहा है, और बालक प्रतिबिंब को मैं मान रहा है। ये इतना सारे प्रक्रिया वहाँ हो जाते हैं, शास्त्र में ये सब स्पष्ट करके बताया जाता है। इसी प्रकार की हम चिद्रूप है, आनंद रूप है, हम हो गए आनंद रूप, जो कि बालक दृष्टांत में जो बालक है वो हम है, आनंद रूप है। दृष्टांत में जो दृष्टांत अर्थात उदाहरण, शास्त्रीय शब्द थोड़ा दृष्टांत, और उदाहरण में जो दर्पण है वो हमारी बुद्धि है, और बुद्धि की यही स्वभाव है, जैसे ही वो सुषुप्ति से बाहर आ जाएगी वो चैतन्य को प्रतिबिंबित करने लगा। जैसे दर्पण के ऊपर अगर कोई पर्दा है तो बालक अपना प्रतिबिंब को नहीं देखेगा, किंतु पर्दा हट गया। इसी प्रकार की बुद्धि जब सुषुप्ति में लीन हो जाती है तो कोई
जीव को भान नहीं होता मैं हूँ बोल करके। जब सुसुप्ति से बाहर आ जाती है तब दर्पण का स्थान, दर्पण स्थान या बुद्धि आ गया और उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब हो जाने से जैसे प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है तो यह प्रतिबिंब दर्पण में जो सब धर्म होते हैं, मल होता है अथवा काला दाग इत्यादि होता है, वो बिंब में मानता है अभिवेक से। इसी प्रकार की हम जो वास्तव आनंद रूप है, चिद रूप है, वो बुद्धि में जब प्रतिबिंबित तो हो जाते हैं तो वो बुद्धि का जो सब धर्म है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अर्थात मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ, ये सब बुद्धि का है, और सुख दुख ये सब भी बुद्धि का धर्म है, ऐसे उपनिषद हमको बताते हैं। तो काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृति ह्रीर भीर धीर इति एतत् सर्वं मन एव, ये सब मन ही है। ह्रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव, मन अर्थात यहाँ बुद्धि हम विचार कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये सब जो दुख कर्ता भाव भोक्ता भाव, भोक्ता भाव अर्थात तो मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ये सुख दुख का भोग होता है, तो ये सब बुद्धि का ही पदार्थ है, बुद्धि का ही धर्म है। जैसे वहाँ दर्पण में मल काला दाग और विभाजन था, इसी प्रकार की ये सारे धर्म ये बुद्धि की बुद्धि का ही है। तो बुद्धि का यह धर्म अभी बुद्धि में होने वाला जो प्रतिबिंब, उसको चिदाभास शब्द से शास्त्र में कहा जाता है, वो चिदाभास में दिखने लगता है। और अविवेकी जैसे बालक प्रतिबिंब को मैं मानता है, इसी प्रकार की अविवेकी अर्थात अज्ञानी अज्ञ व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, वह उस चिदाभास को मैं मानता है। और प्रतिबिंब का धर्म है उपाधि का अनुकरण करना, ये चिदाभास भी बुद्धि का ही अनुकरण करेगा। बुद्धि में जैसे जैसे विकार होने लगेंगे ये चिदाभास ऐसे ऐसे मानने लगेगा। तो ये यहाँ हुआ यही कि दृग और दृश्य का संबंध हो गया। आप चिद रूप है, आनंद रूप है, दृग रूप है, बुद्धि दृश्य है, ये दृग और दृश्य ये दोनों में संबंध हुआ, होने से चिदाभास, चिदाभास में तादात्म्य हो गया, मैं बुद्धिस्त हूँ बुद्धि के साथ तादात्म्य कर गया और आगे दुख होने लगा। बिंब जैसे दर्पण के सामने बालक, ना उसका मुंह में कोई काला दाग है ना धूलि है ना उसका मुंह फटा हुआ है, बिंब तो बिल्कुल शुद्ध है, बालक सौम्य दर्शन कहते हैं, सुंदर दिखता है। इसी प्रकार की आप चिद्रूप है, आनंद रूप है, सर्वांग सुंदर, सबसे सुंदर पदार्थ है, किंतु बुद्धि में होने वाला यह प्रतिबिंब चिदाभास को मैं मान करके दुखी हो जाता है। तो दृग दृश्य संयोग है यह हेतु, दुख का हेतु हो गया बुद्धि के साथ संबंध होकर के चिदाभास प्रतिबिंब बन जाना। अभी इसको कैसे हटाया जाएगा कहते हैं, उसका कारण खोजना होगा। तस्य हेतु अविद्या ऐसे शास्त्र में कहा जाता है, ये दृग दृश्य का संबंध अविद्या से हो जाती है। अविद्या अर्थात जैसे 20 वर्ष युवक को मैं दर्पण में हूँ ऐसा नहीं होता है, उसके पास विद्या है, विद्या ज्ञान है, ज्ञान अर्थात ये जो दर्पण दृष्टांत में वो युवक ज्ञानी है अर्थात वो जानता है कि मैं दर्पण में नहीं हूँ। तो यह विद्या होने से वह चिदाभास दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को मैं नहीं मानता है। इसी प्रकार की अगर हमको भी ये पता चले कि हम बिंब रूप है चिद रूप है, ये बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो माना जाएगा कि हम में ज्ञान है विद्या है हम ज्ञानी है, नहीं है तो कहा जाएगा ये अविद्या है अज्ञान है।
चिद रूप आनंद रूप और बुद्धि, ये दोनों में संबंध होने का कारण अविद्या। जैसे वहाँ निदान करके वैद्य निर्णय कर लिया कि रोग का ये कारण है, इसी प्रकार के शास्त्र में निश्चय कर दिया गया कि हमारा दुख रूप का कारण है अविद्या। आगे जैसे वैद्य शास्त्र का विचार में हम देखते थे कि इससे ये रोगों से कि कोई मुक्त हुआ है क्या, इसी प्रकार की अविद्या से कोई मुक्त हुआ है क्या, तो उसमें कोई ऐसे दिखा है, इसका कोई प्रमाण है, तो कहेंगे हाँ हम सुनते हैं, ये आप जिन महापुरुषों का चित्र देख रहे हैं हम यही सुन, दूसरों से हम दूसरे महापुरुषों से यही श्रवण करते हैं कि अविद्या दूर हुआ है इनमें, तो यह प्रमाण है कि अविद्या दूर हो सकता है। अगर ये निश्चय हान अर्थात अविद्या का निराकरण अगर निश्चय हुआ तो आगे हानोपाय, इसका हान कैसे करेंगे, ये अविद्या दूर कैसे करेंगे, ये उपाय, इसको कहा जाता है साधन। यह साधन सप्ताह इसलिए है हमको उपाय बताने के लिए। हमारा ये जो कभी कभी कादाचित का दुख रूपता हमको भान होता है, हम दुखी हो जाते हैं, इसको दूर करने के लिए साधन सप्ताह, इसमें साधन के बारे में कहा जाएगा सब। आप लोग आगे 7 दिन तक बहुत सारे महापुरुषों से श्रवण करेंगे, नाना प्रकार की साधन है। रुचि नाम वैचित्र्या द्विजकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस तोमसी पयसा मरण वैव, ऐसे पुष्प दंताचार्य कहते हैं महिम्न स्तोत्र में। रुचि विचित्र है, अपने अपने रुचि के अनुसार मार्ग का चयन करते हैं और चलते हैं, कोई सीधा रास्ता में चलता है, कोई थोड़ा कुटिल घूम फिर के चलता है, क्योंकि रुचि ऐसा है, किंतु सभी का लक्ष्य वही एक ही है। वहाँ तो दृष्टांत देता दिया जाता है पयसाम अर्णवैव, पयसाम जल का, अर्णव समुद्र, सारे जल का अंतिम लक्ष्य वही समुद्र ही है। इसी प्रकार की ये सभी प्राणियों का अंतिम लक्ष्य वही है कि हम आनंद रूप हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है उसको प्राप्त करें। पथ अपने रुचि के अनुसार नाना पथों में चलते हैं, तो शास्त्र इसको निर्धारण कर दिया कि यह साधन भी 3 प्रकार नहीं है, सीढ़ी सोपान अर्थात एक के बाद एक होने वाला है। जो सबसे उच्च कोटि के साधन होगा अर्थात जिससे ज्ञान साक्षात हो जाएगा, वो साधन को कहते हैं अंतरंग साधन। अंतरंग सबसे समीपवर्ती, सबसे नज़दीक, उसी से ज्ञान होता है। और शास्त्र कहते हैं वो अंतरंग साधन होता है श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण में वही बात बार बार कहा जाएगा, आप ये दुख रूप नहीं है, आप तो आनंद रूप हैं, आप चिद रूप हैं, आप ये जीव नहीं है जो कि मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, इस प्रकार की मानने वाला, मैं शरीर हूँ नहीं कहता है, मैं अस्वस्थ हूँ कहता है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ कहता है, तो शरीर को मैं मान करके कहता है। बुद्धि को जब मैं मानता है कहता है मेरे को सब चीज़ समझ में आ गया, अथवा मेरे को समझ में नहीं आता है, ये बुद्धि को मैं मान करके कहता है। तो शास्त्र वेदांत शास्त्र, यहाँ श्रवण अर्थात वेदांत शास्त्र का श्रवण करना है, जो बार बार हमको बताएगा आप ये शरीर मन बुद्धि नहीं है, आप ये जो मानते हैं कि आप जीव है वो नहीं है, आप वास्तविक ब्रह्म ही है। जीव और ब्रह्म ये एक ही है, ये अलग पदार्थ नहीं है। सारे वेदांत तात्पर्य पूर्ण होकर के अर्थात उसमें महत्व बुद्धि रख करके यही बताएंगे आप जीव नहीं है। तो ग्रंथकार कहते हैं वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मनिएव तात्पर्यम्। वेदांत
आरंभ में, मध्य में, अंत में यही बात कहेंगे कि जो आप है वो ब्रह्म ही है, हम उससे कुछ भिन्न नहीं है। इसको श्रवण कहा जाता है। जब हम कुछ काल तक किसका कितना पूर्व से संस्कार है उसके आधार पर निर्णय होता है, जब हम वेदांत का श्रवण करते हैं धीरे धीरे निश्चय होता है कि शास्त्र जो कहते हैं वो सब ठीक ही है, क्योंकि उसको ना कहने के लिए हमारे पास अभी कोई तर्क नहीं है, वो तो ठीक है बिल्कुल, किंतु हमें ऐसे अनुभव नहीं होता है। अर्थात शास्त्र का वाक्य में कोई विरोध नहीं है, किंतु हमको ऐसा अनुभव नहीं आता है। हम तो जीव है, अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान ऐसे कहा जाता है, और वो परमात्मा जगत सृष्टि करने वाला सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, ये कैसे होगा, ये संभव नहीं होता है, हमको ऐसे अनुभव नहीं होता है। यह जो हमको ऐसा ज्ञान हो रहा है कि हमको अनुभव नहीं आ रहा है, इसका विचार करके भी शास्त्रकार लोग बताए हैं, इसका निराकरण करने के लिए मनन किया जाता है। युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम तु तत्, ऐसे शास्त्रकार लोग कहते हैं। अभी तर्क से इसका निराकरण करना पड़ता है। आपको पूछा जाएगा आपको क्यों लगता है कि आप ब्रह्म नहीं है, आप जीव है, तो आप यही बात कहेंगे कि मेरे को तो ये अल्पज्ञ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं अल्पशक्तिमान, कोई गंगा जी से 20 लीटर जल लाने के लिए कह दिए तो रास्ते में 3 बार ला करके रख करके लाना पड़ेगा, तो ये हम कैसे ईश्वर ब्रह्म कैसे हो जाएंगे। यह सब का समाधान शास्त्र में युक्ति के माध्यम से दिया गया। जैसे कहा जाएगा कि हम तो अल्प शक्तिमान है, क्यों हम गंगा जी से 20 लीटर जल नहीं ला पाएगा, एक बार में नहीं ला पाएगा, तो यह हम नहीं ला पाएगा कहने का समय में हम कह करके शरीर को ही मान रहा है। तो उसको ये तर्क दिया जाता है, आप जो ये शरीर मानते हो आप अपने आप को, क्या ये शरीर आपके साथ हमेशा रहता है? अगर नहीं रहता है तो फिर आप शरीर कैसे हैं? जब स्वप्न में जाते हैं कभी ये भी हो सकता है कि पक्षी होकर के आकाश में उड़ रहे हैं, कभी मत्स्य बन करके गंगा जी का जल में संत तैर रहे हैं। तो अगर हम मनुष्य ही है तो हम पक्षी कैसे बन जाते हैं, मत्स्य कैसे हो जाते हैं? यह प्रमाण है कि हम ये मनुष्य शरीर हम नहीं है। इसको कहा जाता है तर्क, युक्ति। इससे ये सिद्ध करवाया जाता है कि हम शरीर नहीं है। इसी प्रकार की ये मन, ये बुद्धि, मनोबुद्धि एक ही पदार्थ है, दो अलग अलग कार्य को लेकर के कहा जाता है। ये बुद्धि बदलती रहती है और हम जानते रहते हैं। अगर हम बुद्धि होते तो बुद्धि जैसे बदलती रहती है तो हम भी उसके साथ बदलना चाहिए, किंतु नहीं बदल रहे हैं। ये सब तर्क दिया जाता है, हम इस बुद्धि से भिन्न है। इस प्रकार की होने से बार बार जब हम तर्क से विचार करते हैं, भगवान भाष्यकार जगत गुरु उनके आप ग्रंथ देखेंगे, विशेष करके भाष्य, यह तर्क इतना ज़्यादा उसमें दिया गया है, एक जिज्ञासु को जितने सारे शंका हो सकते हैं वो सारे का समाधान तर्क के माध्यम से दे दिया गया। अनुमान का बहुल प्रयोग भाष्य में किया गया है, इसलिए थोड़ा सामान्य लोगों को कठिन हो जाता है, लोग उसको पढ़ते नहीं अर्थात अध्ययन नहीं करते। सारे समाधान उसमें दिया गया। जब सारे ये शंका दूर हो जाता है फिर कभी ऐसे क्षण भर के लिए लगता है हाँ हम तो है, अर्थात हम सुख रूप है, हम इस प्रकार के परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा कभी क्षण भर के लिए लगता है, किंतु वो क्षण भर वो फिर दूसरे क्षण में चला जाता है। पुनः जो अनादिकाल से अनंत वासना पड़े हुए हैं चित्त में वो फिर आएंगे। उदाहरण दिया जाता है, कोई जो तालाब होते हैं उसमें छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, काई भी कह दिया जाता है, अन्य कुछ शब्द भी कहा जाता है,
जहाँ हम स्नान करने के लिए जाते हैं तालाब का घाट में, एक दिन हम उसको हटा दिए, अगला दिन जाकर देखते हैं फिर भर जाता है। जैसे ये उदाहरण है ऐसे ही क्षण भर के लिए लगा हम तो आनंद रूप हैं। वेदांत श्रवण करते करते पाठ में बैठे बैठे कभी लगता है हम तो आनंद रूप हैं, किंतु जब पुनः पूर्व संस्कार बस वो विचार आ जाते हैं, दुख आ जाता है, फिर हमारा आनंद रूप ये चला जाता है। ऐसा क्यों होता है तो शास्त्रकार लोग कहते हैं, अनादि दुर्वासनया विषयेषु आकृष्यमाणस्य चित्तस्य अनादि काल से अनेक दुर्वासना, दुर्वासना अर्थात विषय वासना, विषय इच्छा, इससे क्या होगा, चित्त वही विषय में खींचा जाता है। विषयेषु आकृष्यमाणस्य चित्तस्य, विषय में खींचा जाने वाले चित्त का, विषयेभ्यो अपकृष्य, विषय से हटा करके आत्मस्थैर्यानुकूल मानसो व्यापार निदिध्यासन, चित्त चला जाता है विषय में और विषय से सुख दुख ये सब होता है, प्रवृत्ति हो जाती है। जब सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, दुख का निराकरण परिहार होना चाहिए, इसके लिए प्रवृत्ति हो जाती है, कर्तृत्व आ जाता है, ये सब अनादि संस्कार हैं, विषय में चला जाता है। वहाँ से विषय से अपकृष्य हटा करके आत्मा में अर्थात जो हम वास्तव स्वरूप है, आनंद रूप है, उसमें स्थिर करना, इसको निधिध्यासन शब्द से शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में कहा गया। तो जब यह निधिध्यासन होता है, चित्त जो विषय में चला जाने का जो स्वभाव था वो धीरे धीरे हट जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि ना हम तो यह आनंद रूप ही हैं। जिसको इस प्रकार निश्चय हो जाता है हम आनंद रूप ही हैं, कभी और मैं जीव हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, उनको शास्त्र ज्ञानी कहता है, अपरोक्ष ज्ञान उनको हुआ है। यह श्रवण मनन निधिध्यासन से इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान होता है, उनके अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, वो ज्ञानी कहा जाता है। तो यह श्रवण मनन निधिध्यासन से ज्ञान साक्षात होता है, तो इसलिए यह श्रवण मनन निधिध्यासन को अंतरंग साधन कहा गया, सबसे समीप नज़दीक वाला साधन। अगर यह सबसे नज़दीक वाला साधन सभी इसको करना चाहिए, वो करने के लिए भी जो योग्यता होनी चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, तो श्रवण आदि अंतरंग साधन में वही प्रवृत्त होंगे जिनके पास बहिरंग साधन है। बहिरंग अर्थात थोड़ा दूर में रहेगा, थोड़ा बाहर रहेगा, वो है साधन चतुष्टय कहा जाता है। आप लोग यह संस्था के संस्थापक महाराज जी का एक ग्रंथ है साधना, बहुत स्पष्ट लिखे हैं वो, यह साधन चतुष्टय अर्थात विवेक वैराग्य, आगे साधन षट्क संपत्ति कहा जाता है, उसमें सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, आगे चतुर्थ हो गया मुमुक्षुत्वम। और संस्थापक महाराज जी वहाँ बिल्कुल स्पष्ट भी लिखते हैं, हमको सभी साधन करने का आवश्यक नहीं है, हमको केवल प्रथम कर देना है, जो विवेक है उसी को पूरा उत्साह के साथ, उद्यम के साथ, सारे शक्ति लगा करके हम विवेक को दृढ़ कर लेंगे। विवेक का अर्थ होता है नित्य अनित्य वस्तु का विभाग कर पाना, और नित्यम वस्तु एक ब्रह्मम, ऐसे भगवान भाष्यकार कहते हैं जगद्गुरु, ब्रह्म ही एकमात्र नित्य वस्तु है, बाकी सब अनित्य है। जिसका बुद्धि में हमेशा ये दृढ़ रहेगा कि ब्रह्म छोड़ करके जो आनंद रूप है उसको छोड़ करके बाकी सब अनित्य ही है, उस अनित्य के पीछे कितना दिन चलेगा। जब निश्चय होता है कि ये मरुभूमि में जल ऐसे दिखता है ऐसा नहीं है, सामने में जो कदली फल जैसा अंगूर जैसा दिखता है वो फल नहीं है, वो तो कोई प्लास्टिक का मिट्टी का बना हुआ है। जब इस प्रकार की अनित्यता का निश्चय जब सर्वत्र होगा, ये कितना उसके पीछे अनित्य पदार्थ के पीछे चलेगा,
अतः उसको वैराग्य स्वाभाविक होगा, ऐसे तर्क दिए हैं संस्थापक महाराज जी, आप लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो जिसको विवेक दृढ़ हो जाएगा उसका वैराग्य स्वाभाविक होगा, और जिसको वैराग्य होगा वो विषय में उसका मन क्यों चलेगा, पूर्व संस्कार बस चल रहा था, अभी वो उद्यम करेगा ये क्यों चलता है, व्यर्थ है, उसको न चलने दो। इसको कहा जाता है सम, अंतर इंद्रिय निग्रह, मन को नियंत्रण करेगा। जब मन धीरे धीरे नियंत्रण में आएगा फिर इंद्रियों को और ज़्यादा चलने नहीं देगा, कहे व्यर्थ क्यों जाता है, शरीर के लिए जितना आवश्यक है रसना इंद्रिय उतना ग्रहण करे, और नित्य पदार्थ प्राप्ति के लिए जो दृश्य आवश्यक है उतना ही देखे, देव विग्रह देखे, गंगा जी का दर्शन करे, महापुरुषों का दर्शन करे। तो ये इंद्रियों को जो यथेच्छाचार करने में और अनुमति नहीं दिया जाएगा, ये स्वाभाविक दम होंगे। दम होने से आगे उपरति, धीरे धीरे ये संसार से मन हटेगा, जब संसार से मन हटेगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी इतना, प्रवृत्ति नहीं होगी तो जो सुख का प्राप्ति और दुख का परिहार के लिए जो चलता था अब और इतना नहीं करेगा, क्योंकि ठंडी लगे तो ठीक है चलेगा, वो दो चार दिन थोड़ा देख लेंगे, प्रवृत्ति फिर नहीं होगी, वहाँ जाएंगे कुछ द्रव्य का ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो ये फिर तितिक्षा आ जाएगा, अर्थात ये सुख दुख, ये शीत उष्ण ये सब सहन करने का एक सामर्थ्य आ जाएगा, क्यों, प्रवृत्ति में रुचि नहीं रह गई, तितिक्षा स्वाभाविक आएगा। तितिक्षा होने से अब सांसारिक प्रवृत्ति नहीं रह गई, सहन करने का सामर्थ्य आ गया, मन धीरे धीरे खाली होने लगेगा, तब हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं ये कौन बताएगा, इसको ऐसा मन में जो विचार आता है कहते हैं श्रद्धा हुआ। शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्ध्यावधारणा, तो फिर वो खोजेगा कि कौन बताएगा, फिर जाएगा किसी महापुरुषों के साथ पास, शास्त्र के आधार पर वो बताएंगे, श्रद्धा होगी, अब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, यही करना है, इसको कहते हैं समाधान। मन का नियंत्रण आरंभ होना इसको सम कहा गया, मन का नियंत्रण पूर्ण हो जाना इसको समाधान कहा गया, चित्त एकाग्रता ऐसे भगवान भाष्यकार कहते हैं। तो जब चित्त एकाग्र हो गया, शास्त्र में जो कहा गया गुरु वाक्य से निश्चय कर लिया, आगे तो केवल मुमुक्षुत्व वही, अर्थात मेरे को मुक्ति हो जानी चाहिए, यह जीवत्व भाव पूरा चला जाना चाहिए, ये जो शरीर मनोबुद्धि इत्यादि में अहंकार में तादात्म्य हो जाता है, मैं वही मानता हूँ, ये सब दूर हो जाना चाहिए, ये मुमुक्षुत्व कहा जाता है। अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधनात् मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुत्वम्। अहंकार से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत ये सब बंध है, स्थूल शरीर के आगे जो पदार्थ है, ये पुत्र कन्या कोई संबंधी कोई वित्त, भगवान भाष्यकार ये सब को बंध नहीं कहते हैं, उसके आगे अगर किसी को बंध अनुभव हो रहा है तो भगवान भाष्यकार का दृष्टि से वो साधक नहीं है, शरीर से ही आगे अंदर अंदर अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत ये सब बंध, इसमें तादात्म्य हो जाता है, मैं वो हूँ ऐसा मानता है, स्वरूप अवबोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, अभी इस प्रकार की बुद्धि दृढ़ हो जाना इसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। जिसमें यह साधन चतुष्टय हो जाएगा वो केवल मुक्ति के लिए अभी कर्म और नहीं कर पाएगा, संन्यास ले लेगा, त्वमर्थस्य विवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्। आगे ये तुम पदार्थ तत्पदार्थ इसका वास्तव स्वरूप निर्णय करने के लिए कर्म का संन्यास करके फिर गुरुमुख से वेदांत श्रवण करेगा, अब वो योग्य अधिकारी हो गया श्रवण मनन निधिध्यासन में, जिसके पास साधन चतुष्टय आ जाएगा। तो ये साधन चतुष्टय फिर सबके पास हो जाना चाहिए, कहते हैं उसका भी साधन है, उसको कहा जाता है परंपरा साधन। श्रवण आदि तो हो गया अंतरंग साधन, और ये साधन चतुष्टय को बहिरंग साधन कहा गया, थोड़ा बाहर रहेंगे ये, और उसके आगे और एक है परंपरा साधन, जो परंपरा साधन करेगा उसी को ही बहिरंग साधन प्राप्त होगा, और जो बहिरंग साधन को ठीक ठीक करेगा उसको अंतरंग साधन प्राप्त होगा। ये परंपरा साधन के लिए श्रुति कहते हैं,
तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यज्ञ दान तप इसके द्वारा वो परमात्मा का प्राप्ति होती है, अर्थात जो यज्ञ दान तप ये करेगा आगे वो फिर मार्ग में चलने लग जाएगा। और यज्ञ दान तप जैसे शास्त्र में कहा गया है ऐसा ही करना है। गीता में देखेंगे अष्टादश अध्याय में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। भगवान पहले कहते हैं यज्ञ दान तप इसका त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग नहीं करना चाहिए तो अर्थ से हो गया कि करना चाहिए, किंतु फिर आगे कहते हैं कार्यम करना ही चाहिए। दोबारा अवधारण करवाते हैं अर्थात निश्चित रूप से करना चाहिए। आगे उत्तर देते हैं यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये शुद्ध करवाएगा। तो जो यह शास्त्र विहित यज्ञ दान तप इसको करेगा वही आगे बहिरंग साधन का अधिकारी हो जाएगा, अर्थात साधन चतुष्टय उसमें आने लगेंगे। शास्त्र में जो ये सब कर्म कहा गया है यज्ञ दान तप उसको सकाम होकर के करेगा तो फल प्राप्ति होगी, फल भोगेगा, स्वर्ग लोक जाएगा, वहाँ फल भोगेगा। तो फिर बार बार चलता रहेगा तो कभी एक दिन विचार होगा कि नास्ति अकृतम कृतेन अकृत ब्रह्म कृतेन कर्मणा, ये कर्म करके प्राप्त नहीं होगा। फिर कर्म तो करेगा किंतु निष्काम होकर के करेगा। इसलिए शास्त्र में इतना महत्व दिया जाता है निष्काम सेवा करना चाहिए, निष्काम होकर के सेवा करना चाहिए। सन्यासी हो गया तो भी गुरु सेवा करना चाहिए, अन्य कोई कर्म नहीं है किंतु निष्काम होकर के सेवा तो करना चाहिए। शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम होकर के अगर करेगा तो चित्त शुद्ध होंगे, चित्त ये शुद्ध हो जाएगा तभी हम विवेक उत्पन्न होगा। चित्त शुद्ध होना अर्थात चित्त में विवेक उत्पन्न होना। विवेक उत्पन्न होने से आगे वैराग्य, आगे जैसे सीढ़ी कहा गया ऐसे होगा। अतः जो सब कर्म हमको शास्त्र अथवा महापुरुष लोग कहते हैं करने के लिए उसको निष्ठा पर होकर के श्रद्धावान होकर के करना ही चाहिए। और कर्म हम ऐसे स्वयं छोड़ नहीं दे सकते हैं, हमको अभी कर्म करने का आवश्यक नहीं है ऐसा हमारे अंदर में भावना नहीं होनी चाहिए। जब समय आएगा कर्म स्वतः आपसे छूट जाएगा। जो लोग आपको कहते हैं कि कर्म करिए वही लोग आपको कहेंगे अब आप कर्म से निवृत्त होकर के अब आप आगे चलिए और ऊपर चलिए। किंतु हम अगर स्वयं सोचेंगे हम तो कर्म छोड़ देंगे यह उसका आगे अच्छा कल्याण नहीं हो जाएगा। दृष्टांत तो देने के लिए वृक्ष में है आम और वो सोचे कि मैं तो अब गिर जाऊँ, अगर पक गया होगा वो आम वो तो स्वतः वृक्ष उसको छोड़ देगा। अगर वो सोचेगा मैं गिर जाऊँ अर्थात अभी पका नहीं है वो ना किसी का काम में लगेगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार की हमको तो श्रद्धावान होकर के निष्ठावान होकर के निष्काम सेवा करते रहना चाहिए। समय जब होगा ये स्वतः हमारे मार्गदर्शक हमको बोलेंगे। तो यह सब उपाय है साधन कहा गया। हम प्रथम ये परंपरा साधन को निष्ठावान होकर के करें, उससे हमको बहिरंग साधन अर्थात ये साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य ये सब की प्राप्ति होगी। और यह विवेक वैराग्य जब मुमुक्षुत्व दृढ़ हो जाएगा हम संन्यास लेकर के वेदांत श्रवण में प्रवृत्त होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा हम अपना आनंद स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं और प्रमाण है किए हैं। तो अगर वो किए हैं हम भी कर सकते हैं। तो किंतु इतना ही है कि शास्त्र जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग में चलना होगा। इसलिए हम महात्माओं के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमको मार्गदर्शन करवाइए। तो मार्ग में चल करके इसकी प्राप्ति हो सकती है। हमारे में जो स्वाभाविक अवस्था की विच्युति हो गई है, हम आनंद रूप होने पर भी दुख रूप मान रहे हैं, ये दुख रूपता दूर हो सकती है। हम पुनः अपना जो आनंद रूप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप सच्चिदानंद ब्रह्म है ही। ओम।
मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। परम पूज्य कैलास आश्रम के आचार्य श्री स्वानंद तीर्थ जी महाराज ने हमें श्रुति का संदेश बहुत सरल भाषा में सुनाया है। वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है इनके बारे में उन्होंने विशद रूप से, हमारी क्या वास्तविक पहचान है इसके बारे में स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में बताया है। हम सभी स्वामी जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं। हम धन्यवाद करते हैं, सभी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आप जरूर पधारते रहें ऐसी करबद्ध प्रार्थना भी करता हूँ। हरि ओम तत्सत। पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें, हमारा इनके बाद भी कार्यक्रम चालू है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो
नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय